नमस्ते दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे रिटोनाविर टेबलेट के बारे में बात करेंगे, इसके यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेट बताएंगे, ये पूरी जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं रिटोना टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। रिटोना टीडी ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों इसमें जो सॉल्ट डाला जाता है वो है रिटोनाविर, इसके अंदर होता है दोस्तों रिटोनाविर, इसका सॉल्ट कंटेन है जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं लिखा हुआ रिटोनाविर। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो इसके जो ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली टेबलेट होती है हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों इसके रिटोनाविर के जो इसके यूज़ लिए जाते हैं रिटोनाविर के दोस्तों, जैसे कि जो HIV के जो पेशेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा HIV एड्स के जो पेशेंट होते हैं उसमें इसके यूज़ लिए जाते हैं रिटोनाविर के। और दोस्तों अदर यूज़ जो इसके बुखार में या आँख में संक्रमण हो गया और पेशाब में इन्फेक्शन हो गया उस कंडीशन में भी इसके रिटोनाविर के यूज़ लिए जाते हैं। या दोस्तों जैसे कि ये HIV एड्स की बीमारी कैसे फैलती है, जैसे मान लीजिए आपके ड्रिप चली, जो HIV व्यक्ति संक्रमित हो उसका ब्लड आपके चढ़ा हो तो उससे HIV फैलने का संक्रमण हो जाता है। या जैसे कि आपकी शेविंग कराते हैं HIV संक्रमित है उससे HIV एड्स फैलने का संक्रमण हो सकता है। या यौन संबंध बनाने से इस HIV संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों रिटोनाविर टेबलेट का उसमें यूज़ लिया जाता है इसका। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ रिटोनाविर टेबलेट जो दोस्तों ये एक एंटी HIV मेडिसिन होती है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि इसका HIV एड्स में ही सिर्फ इसका यूज़ लिया जाता है। अब इसकी रिटोनाविर टेबलेट के जो दोस्तों साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नोजा वोमिटिंग या चक्कर आना, पेट में कब्ज होना, दस्त लगना या सिर दर्द होना, थकान होना, इसके ऐसे कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो इससे बेस्ट HIV एड्स की मेडिसिन आपको दे सके। तो दोस्तों रिटोनाविर टेबलेट की जिसकी सावधानियाँ होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले, वो अपनी डॉक्टर की सलाह से ले। अब दोस्तों इसके रिटोनाविर टेबलेट के साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल भी, खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है। दिन इसके जो डोजेज होती है सामान्य रिटोनाविर टेबलेट की, तो दोस्तों इसकी डोजेज सामान्य है, इसे दिन में एक बार भी देते हैं। कंडीशन HIV का वायरस देख के दोस्तों इसको ज़्यादा भी डोज में दी जाती है और कम भी दी जाती है। कम है आपके तो उसे दी जाती है एक टाइम, अगर ज़्यादा है स्टेज है आपकी तो उसे दो टाइम भी रिटोनाविर टेबलेट को देते हैं। खाना खाने के बाद में इस टेबलेट का यूज़ लिया जाता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको रिटोनाविर टेबलेट का, तो दोस्तों इसके जो सबसे ज़्यादा यूज़ लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया HIV एड्स में इसका यूज़ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा HIV एड्स जो फैलता है वो यौन संबंध, कोई HIV महिला हो या मेल हो तो उससे ये फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति HIV है तो दूसरे में संक्रमण फैला सकता है। और दोस्तों ये खाने पीने से HIV नहीं फैलता, हाथ मिलाने से HIV एड्स की बीमारी नहीं फैलती बिल्कुल भी, साथ में रहने से नहीं फैलती, तो ये कुछ इस टाइप से ही फैलती है, जैसे कि शेविंग कराया, ब्लड चढ़ाया या इंजेक्शन लगाया HIV एड्स वाला, या यौन संबंध HIV एड्स वाले व्यक्ति से हो गए तो उस कंडीशन में HIV एड्स मतलब फैलता है, जब बॉडी से बॉडी टच होती है उस कंडीशन में, जब बॉडी से मांस कट के टच हो जाता है तभी HIV एड्स फैलने का इन्फेक्शन लगता है। जब उसका ब्लड आपके ब्लड में लगेगा जाके तभी HIV का इन्फेक्शन वायरस फैलता है। ये एक वायरस फिर लाखों वायरस आपकी बॉडी में बनाता रहता है और आपको सूखा देता है बिल्कुल, आप पतले हो जाते हैं सूख के और कुछ दिन बाद में 3 से 6 साल बाद में आपकी मौत हो जाती है। तब तक आप ये मेडिसिन चलाएंगे तो कुछ दिन तक वो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये ख़त्म नहीं होती, ये जान लेके ही जाती है। तो दोस्तों इसका इसके जो अगर आपके आपको इसके यूज़ जो लिए जाते हैं वो HIV एड्स की बीमारी में इसके यूज़ लिए जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको इस टेबलेट के बारे में कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।